વડોદરા ખાતે આજરોજ બોલિવૂડના શોમેન સુભાષ ઘાઈએ મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં તેમણે સંપ્રત વિષયો પર પોતાના વિચાર રજૂ કર્યા હતા. વડોદરા ખાતે આજરોજ બોલિવૂડના શોમેન અને જાણીતા ડાયરેક્ટર સુભાષ ઘાઈએ હાજરી આપી હતી, જેમાં તેમણે પોતાના ઇન્ડિયન સિનેમાને લગતા અનુભવો અને પોતાની મલ્ટીપ્લેક્સ ચેન વિશે ચર્ચા કરી હતી. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ વિસલ્સ વુડ્સ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના કરી છે, જેમાંથી પ્રતિભાવાન ડાયરેક્ટર અને એક્ટર બોલિવૂડ અને ગુજરાતી સિનેમાને મળ્યા છે અને ગુજરાત સરકાર સાથે પણ ગુજરાતમાં વિસલ્સ વુડ્સની શાખા શરૂ કરવા માટે જમીન ફાળવણી સહિતની મંજૂરી માટે વાતચીત ચાલતી હોવાનું જણાવ્યું હતું. મોદી સરકારની પ્રશંસા કરતા સુભાષ ઘાઈએ જણાવ્યું હતું કે મોદી સરકાર આર્ટ અને કલ્ચરને વધુ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે, ત્યારે દિગ્દર્શકોએ ભારતની ધાર્મિક અને પૌરાણિક વૈવિધ્યથી ભરપૂર વિષયો પર ફિલ્મો બનાવવી જોઈએ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આજની પેઢી જાણે તેવા પ્રયાસ કરવા જોઈએ તેમ જણાવ્યું હતું. आप सोचिए कि वडोदरा में आया हूँ, जो कि कैपिटल ऑफ कल्चर है, जो कि एक आध्यात्मिक और कलात्मक एक अपने आप में शहर है, जिसमें कलाकार ही भरे पड़े हैं, आध्यात्मिक लोग भरे पड़े हैं. वहाँ पर हमारा मुक्ता सिनेमा भी है. इससे बड़ा गर्व मुझे क्या हो सकता है. आज मैं आया हूँ मुक्ता सिनेमा की टीम को मिलने के लिए, आप लोगों को मिलने के लिए. कल मैं आया था गुजरात पब्लिक स्कूल के बच्चों को मिलने के लिए IMUN की तरफ से, जहाँ पर हमने बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि आप अपने आप को डिस्कवर करो. तो दोनों दिन मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं और मैं कहूँगा कि मेरा ये टूर बड़ौदा का बहुत ही अच्छा रहा. गुजरात सरकार से विस्ली वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल खोलने की बात चल रही है और आशा करता हूँ कि वहाँ की सरकार जो है इस समर्थन में भी है और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा. पर ये बहुत डिपेंड करता है कि सब चीज़ें जो हैं उसकी प्रोसेसिंग ठीक हो और अच्छे लीगल तरीके से लॉफुल तरीके से हो, ताकि हमें कल कुछ कष्ट ना हो. पौराणिक कथाओं पर आपने बताया जैसे कि फिल्म बननी चाहिए, तो मोदी सरकार जो है वो भी हिंदी सिनेमा के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए क्या करता है? मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार और हमारी जो गुजरात सरकार है या भारतीय सरकार है, ये सबसे अच्छा काम कर रही है, जो कि हमारी पौराणिक कहानियों को, अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने देश की कहानियाँ बनाओ, नहीं तो तुमको लोग बॉलीवुड कहेंगे. बॉलीवुड का मतलब नकलची कहेंगे. आपको बॉलीवुड इसलिए कहा गया है क्योंकि आप उनकी नकल करते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप ओरिजिनल आपके पास 10,000 कहानियाँ हैं, इतने शास्त्र हैं, काव्य हैं आपके पास, आपके पास कालिदास हैं, आपके पास तुलसीदास हैं, आपके पास कितना भासव दत्ता है, तो आप सब उन कहानियों को लीजिए. और मैं भी इस बात को प्रोत्साहन करता हूँ, विस्ली वुड्स के जितने फिल्म मेकर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं यही बात करता हूँ कि आप अपने देश की, अपने गांव की, अपने प्रांत की, अपने कल्चर की कहानियां बताओ. जिस कल्चर में हम पले हैं, तो वो कल्चर ढूंढने के लिए हमको डिग करना पड़ेगा, हमको खोदना पड़ेगा,